पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क स्थित कोर एरिया की हत्या के मामले का खुलासा वन विभाग ने कर लिया है। इस मामले में दो लोग पकड़े गए हैं, दोनों पिता और पुत्र हैं। इनके पास से घटना में दोनों बंदूक और बारूद को बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा हिरन की सींग और मृत हाथी का दांत भी बरामद किया गया है। दरअसल हाथी को दफनाने से पहले दांत को निकाल लिया गया था। दांत 54 इंच लंबा और 18 किलो वजनी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये बरामद किया गया है। हाथी का दांत और हिरन की सींग भी बरामद हुई है, जिस और दोनों अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। क्योंकि उन्होंने इनके पास एक भड़तुआ मतलब पहले से थी, दूसरा भड़तुआ जो है इन्होंने एक दूसरा है कमल उड़ाव जो इनके बेटे का साथी है उससे 300 रुपये में भाड़ा लाया था। ये इसका मतलब ये सुनियोजित ढंग से इन्होंने मन बना लिया था कि हाथी को मारना है, इसलिए ये दोनों को हम लोग गिरफ्तार किए और इन लोगों को हम लोग खरगो के घर से जो है सो पहले से ही हिरण के सिंह पाए गए और जो भड़तुआ बंदूक के साथ जितने भी बारूद इस्तेमाल हुए हैं, पटाखे का जो बारूद है लोकल जो रहने के लिए जो उसका भड़माता है वो पहले में भी मिला है। ये